तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम डेट को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे हमारी अर्निंग पर शेयर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। हम कह सकते हैं कि वी कैन सी मोर एंड मोर डेट देन इंक्रीज द अर्निंग पर शेयर, इसी को लोग बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। और इसका एक और नाम होता है, ये आपका फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज कराएगा। यहाँ पे ध्यान दें, तीन केस हो सकते हैं, या तो फेवरेबल होगा, या तो अनफेवरेबल, या तो इनडिफरेंस होगा। फेवरेबल कब होगा, अगर आपकी मान लो कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है ठीक है ये ज्यादा है किससे रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो फेवरेबल। अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, लेस है किससे रिटर्न ऑन कैपिटल से, ये आपको क्या हो जाएगा अनफेवरेबल। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो इक्वल है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, इसको बोलते हैं ये इनडिफरेंट पॉइंट है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल डिसीजन के बारे में। फाइनेंशियल प्लानिंग में सीखा कि जैसे हम एज वी नो प्लान क्या होता है, थिंकिंग इन एडवांस में ठीक है कि क्या कब कैसे करना है आपको। और इसके लिए क्या करते हैं आप, स्टेप जो है आपको डिटरमाइन करते हैं, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव को टेकिंग करते हैं, अजम्पशन आइडेंटिफाई करते हैं।